पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। दोगुनी कीमत देकर आयात करने के बजाय भारत अब पूरी दुनिया के कोने कोने में निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के साथ ही मेक इन इंडिया को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया और अब ये नीति रंग ला भी रही है। भारत को मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनी मेट्रो ट्रेन अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चलने के लिए तैयार है। अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक मोदी सरकार में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया लगातार सफलता के नए आयाम छूता जा रहा है। पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा है कि अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारत में बनी अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान से देश तकनीक की दुनिया में उभरता हुआ सितारा बन रहा है। देशी और विदेशी कंपनियों को निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। सिडनी में चलने वाली मेट्रो का निर्माण भारतीय कंपनी एलस्टॉम एसए ने आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में किया है। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित है और इसमें एलईडी लाइट्स, आपातकालीन इंटरकॉम, सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं हैं। खास बात यह है कि ये मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से ड्राइवरलेस है। 06 कोचों वाली 22 एलस्टॉम ट्रेनों द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। ये ट्रेन नॉर्थ वेस्ट रेल लिंक में तलावांग स्टेशन से चैट्सवुड स्टेशन के बीच कुल 13 स्टेशनों के बीच चलेगी। कंपनी ने 15 सालों के लिए डिपो चलाने और सिग्नलिंग सिस्टम की देखरेख के लिए सिडनी मेट्रो के साथ संधि की है। भारत में निर्मित ये मेट्रो दुनिया भर में मेक इन इंडिया की सफलता की झलक है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के कारण विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना बेहतर समझ रही हैं। इसलिए स्मार्टफोन निर्माण करने वाली कई कंपनियां भारत में ही अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही हैं। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार ने देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।